ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट होने वाला गाइस हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोग ऐसी फोटो का एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जाकर सर्च कर सकते हो मेरे चैनल का नाम जो कि गाइस करण मंडल एडिट, तो आप सर्च कर लेना आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। तो बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर ले। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है कि गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड का जो आपका मॉडल होगा गाइस उसका बैकग्राउंड रेस करना है, ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड रेस करने के लिए आप सभी को करना है गाइस यहाँ पे आप सभी को ड्रॉ टूल का यूज करना है गाइस, एंड यहाँ पे आप सभी को अपने लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपको इरेजर टूल में जाकर गाइस यहाँ पे अपने जो साइज होगा आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस फोटो को जूम करके यहाँ पे इसको फटाफट से इरेज कर लेना है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो गाइस जब आप अपने मॉडल का बैकग्राउंड रेस कर लोगे तो गाइस आपको इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो देन उसके बाद आपको जाना ऐड फोटो मैंने गाइस यहाँ से आप सभी को जो है बाइक की पिंज ले लेना है, ठीक है। तो ये निंजा कावासाकी जो बाइक है इसको ले लेना आपको। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। एंड कुछ हिसाब से ऐड हो जाएगा ये, फिर आपको गाइस यहाँ पे डन नहीं करना भी, आपको डायरेक्ट ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को साइज़ को कुछ इतना रखना है, ठीक है। जो मतलब कि आपको देख लेना है आपका जो मॉडल होगा गाइस उसका साइज़ आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको इतना रख लेना है। देन गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने मॉडल को लेना है एंड जो इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको सिंपली गाइस उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ओपेसिटी कम करके पहले चेक कर लेना अच्छे से कि आपका मॉडल यहाँ पे लगाई कि नहीं लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ओपेसिटी पहले हम यहाँ पे फुल कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इसको मूव डाउन कर देना है, ठीक है। मूव डाउन कर देने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से चले जाना है इरेजर टूल में, ठीक है। क्योंकि यार इरेजर टूल में जाना है आपको जो मॉडल का जो पैर है ना गाइस इसको यहाँ पे इरेज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि गाइस हम इसका दूसरा मॉडल लेंगे यहाँ से एंड इसको फिर हम इसका पैर जो लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आप सबको भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो देखिए मॉडल लग चुका है, तो अब जो है मतलब कि जो आपके मॉडल का जो सॉरी बाइक का जो हैंडल है उसका गाइस अभी यहाँ पे इरेजर टूल से जाके एंड यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज कर देना है, ठीक है। इसको कुछ इस टाइप से, ठीक है, इरेज कर देना है। एंड उसके बाद आपको अब यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बिल्कुल डन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप डन कर देना, बाकी नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइस यहाँ पे अभी हम मॉडल को ले लेते हैं, ठीक है, मॉडल को ले लेते हैं। एंड जो हम इसके पैर लगाने, तो उसके लिए कैसे करना है आपसे, क्या लगाना है वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो गाइस यहाँ पे आपको ओपेसिटी पहले कम कर लेना है, ठीक है। एंड ओपेसिटी कम करने के बाद गाइस आपको ये चीज़ देखना है जो आपके जो पैर हैं गाइस वो आपके आपके मॉडल के कमर के पास तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको जब लग जाए कि लगे आपको कि हाँ वो यहाँ पे इतना परफेक्ट है, तो उसके बाद आप सबको यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे रख लेना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल से जाकर उसको गाइस सिंपली मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए गाइस इतना तो परफेक्ट है, अभी क्या करेंगे हम इसको ओपेसिटी फुल कर लेंगे। फुल करने के बाद आपको फिर जाना है इरेजर टूल में, एंड इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, ठीक है। एंड ब्रश को लेने के बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड गाइस एक बार ऐसे पेंट करके देखना है आपको, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे फटाफट से फिर इसको कर लेना है। एंड जो बाइक का जो गाइस जितना भी एरिया है ना उसमें उसको कोई भी एरिया ढकना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाइस जो बाइक है उसके हिसाब से मैंने आप सभी के लिए बाइक का पिंजी बनाया, क्योंकि जिस जगह पे आपको अपने मॉडल का पैरों को लगाना है, ठीक है। तो मैं आप इसको फटाफट लगाता हूँ एंड फिर आगे बताता हूँ आप सभी को करना क्या है। ओके गाइस, सो इतना करने के बाद गाइस आप सबको एक गन का पीएनजी दे दूंगा मैं गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि गाइस मेरे मॉडल के पास तो पहले से ही लगा हुआ है, तो आप लोग अगर चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। अब गाइस आप सबको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद जाना आपको एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे जो है इसका जो सैचुरेशन आपको उसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, ठीक है। सैचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देना है,
ठीक है, तो इसको मैं इतना रख लेता हूँ 9 तक। एंड उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट है जो उसको आप थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे माइनस तक रख लेना, यहाँ पे परफेक्ट डन। ठीक है, इतना करने के बाद आपको उसको सेव कर लेना है। एंड इसको यहाँ से लेकर चलना लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में हमने गाइस फोटो को अपनी पहले से ऐड कर रखा है, तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में जो आपको साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड उसको जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको इसका कॉन्ट्रास्ट होगा इसको आपको थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट होगा गाइस इसका आप सभी को थोड़ा सा कम कर देना है। एंड जो शेडो होगा इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर नीचे आपको जो ब्लैक मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो व्हाइट है इसको आप थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है, व्हाइट को कम कर देना है। एंड जाना आपसे यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन में, सो यहाँ से कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसका जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर होगा उसको हल्का सा कम कर देना है, ठीक है, ताकि जो हमारी फोटो है थोड़ी ब्लू टोन में आ जाए। फिर उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना कलर मिक्स में एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। एंड देन गाइस आपको ल्यूमिनस बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, डार्क ब्लू में जाना है, ठीक है। डार्क ब्लू में अगर गाइस आपको अपनी फोटो में ब्लू टोन नहीं चाहिए होगा तो इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आपको जितना चाहिए हो आप उतना सैचुरेशन माइनस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। एंड जाना ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा आपको हल्का सा डाल देना है, ठीक है, अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस नीचे वाले टूल में जाना है, फिर आपको नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको जो फोटो का शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, तो आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो हम इसका कलर नोड रिडक्शन को भी बढ़ा देते हैं। एंड इतना कर देने के बाद गाइस देखिए फोटो का जो रिजल्ट आएगा गाइस वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।